हेलो दोस्तों, अगर आप भी किसी क्षेत्र में लीडर बनना चाहते हैं या फिर अपनी सोच को एक लीडर की तरह बनाना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस स्टोरी में आपको लीडरशिप के एक बहुत ही बड़े रूल के बारे में पता चलने वाला है। और इसी तरह के लीडरशिप में दो और रूल भी हैं जिन्हें हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, रूल नंबर वन ऑफ द लीडरशिप इज दोज यू वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस लुक एट थिंग्स फ्रॉम पीपल्स पर्सपेक्टिव। मतलब जिन्हें आप इम्प्रेस करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। तो चलिए दोस्तों, इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक विकास नाम के लड़के की, जो कि एक टेलीविज़न एजेंसी में टेलीविज़न कॉपीराइटर और डायरेक्टर था। एक बार उस एजेंसी को जूते के एडवर्टाइजमेंट के लिए काम दिया गया। विकास ने एक सप्ताह में उस एड को बना के तैयार कर दिया और एडवर्टाइजमेंट टीवी में आने लगा। टीवी में उस ऐड के आने के एक महीने के बाद भी उस जूते के सेल्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसका पूरा का पूरा इंजाम विकास पर ही थोप दिया गया। टेलीविज़न दर्शकों के एक सर्वे से यह पता चला कि 100 में से केवल 4% लोगों को यह ऐड बहुत ही पसंद आया और बाकी के 96% लोगों को यह ऐड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्हें यह वीडियो बहुत ही बेकार लगा। जो 4% लोग जिन्हें यह ऐड बहुत ही पसंद आया, वे बिल्कुल ही विकास की तरह सोचते थे और उनका माइंड सेट पूरा विकास की तरह ही था। जबकि 96% लोग जिन्हें ऐड बहुत ही बेकार लगा, उनमें और विकास में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये बात जब विकास को पता चला तब उसे एहसास हुआ कि अगर मैं बाकी के 96% लोगों की तरह सोचता तो हो सकता था कि जूते की सेल्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती और मुझे इसकी शाबाशी भी मिल सकती थी। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह लीडरशिप में भी होता है, से हमें अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना होता है। आपको लीडरशिप में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपका स्थान लोगों की नज़रों में हमेशा ऊपर रहना चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपने सामने वाले के मन के मुताबिक काम करें। और जब भी आपको यह लगे कि सामने वाले की राय गलत है, तब आप उन्हें शांति से बैठ कर बताएं कि वो कहाँ पर गलत है। लोगों की राय को अहमियत देकर आप